आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इंसान के हाथों और अक्ल ने एक से एक करामातें दुनिया को दिखाई हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। इंजीनियरिंग के एक से एक कमाल इंसान ने दिखाए हैं, और इंजीनियरिंग का ऐसा ही कमाल है अंतरिक्ष में इंसान का घर। इस घर को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंजीनियरिंग के कमाल की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ रोज की जिंदगी बहुत तेज होती है, मुंबई या न्यूयॉर्क से भी तेज। एस्ट्रोनॉट्स हर घंटे 17,000 मील की दूरी तय करते हैं और रोज 16 बार सूरज का उगना डूबना देखते हैं। एक से दूसरे देश की लंबी यात्रा के बाद यात्री कई तरह की तो दिक्कतें झेलते हैं। ऐसे में इस लंबे सफर के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर क्या असर पड़ता होगा, उनका शरीर क्या झेलता होगा, क्या स्पेस में जाने पर इंसान की उम्र बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, इस पर नासा ने लंबी स्टडी की है और इसके लिए उन्होंने दो जुड़वा भाई को चुना है। आज के ज्ञान ध्यान में इसी पर बात करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट रीड वाइजमैन ने एक वीडियो जारी किया था खुद को ट्रेडमिल पर भागने का। इसमें अनोखी बात जानते हैं क्या थी? रीड ने खुद को बंजी जंपिंग वाली रस्सी से बांध रखा था। वीडियो में उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेडमिल पर होते हैं तो सीधे धरती की ओर दौड़ लगा रहे होते हैं, बहुत ही अजीब महसूस होता है। रीड को रस्सी इसलिए बांधनी पड़ी क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सरसाइज कर रहे थे। और ऐसी कई और भी अजीब चीजें हैं जो उन्हें ISS पर रहते हुए करनी पड़ी। मसलन खाने में नमक और काली मिर्च चाहिए तो सीधे चुटकी से छिड़क नहीं लेते, छिड़क सकते भी नहीं क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, इसलिए दोनों चीजें लिक्विड फॉर्म में आती हैं। ये तो रोज की दिक्कतें हैं जो एस्ट्रोनॉट्स झेलते उन्हें झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके दूरगामी असर उनकी सेहत पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, जमीन पर तो हम ऑक्सीजन में रहते हैं, इसके बिना इंसानी वजूद की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर 2 मिनट भी सांस ना आए तो हाफ छूट जाती है। लेकिन धरती से दूर अंतरिक्ष में रहने वाले बनावटी सांसों के सहारे जीते हैं, तो लिहाजा सेहत पर असर पड़ता ही होगा। साल 2015 में स्कॉट कैली को स्पेस मिशन पर भेजना इसी स्टडी का हिस्सा था, जबकि उनका आइडेंटिकल ट्विन यही धरती पर इंतजार कर रहा था। ट्विन स्टडी पर 12 यूनिवर्सिटीज के 84 रिसर्चर्स काम कर रहे थे। कैली के स्पेस जाने से कई महीने पहले ही दोनों भाइयों के ब्लड, यूरिन, स्टूल सैंपल लिए जाने लगे। हर तरह की जांच हुई ताकि पता लगे कि दोनों की बायोलॉजिकल एज कितनी एक जैसी है। इसे ट्विन स्टडी नाम दिया गया, जो साइंस जर्नल में साल 2019 में छपी थी। जैसे ही स्कॉट अंतरिक्ष पहुंचे, उनके शरीर के 1000 जीन्स में बदलाव आया, मगर सबसे बड़ा बदलाव टेलोमेयर में दिखा। ये क्रोमोसोम के सिरों में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो इसकी हर कॉपी बनने के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे डीएनए छोटा होता जाता है, कोशिकाओं में एजिंग दिखने लगती है। टेलोमेयर का यही डीजेनरेशन इंसान को बूढ़ा दिखाने लगता है। वहीं स्पेस में पाया गया कि डीएनए का साइज लंबा हो रहा है। साल भर लंबी स्पेस यात्रा के दूसरे चरण में ये प्रक्रिया और तेज हो गई, यानी सीधे सीधे डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर में वो बदलाव आया जो धरती पर मुमकिन नहीं है। ये उन्हें धरती पर मौजूद उन्हीं की उम्र से लोगों से कई गुना ज्यादा युवा दिखाने लगा। इससे पहले माना जा रहा था कि स्पेस का एक्सट्रीम वातावरण टेलोमेयर को छोटा करके उम्र घटा देगा। तो ट्विन स्टडी के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए यात्री की उम्र धरती पर मौजूद भाई से कम लगने लगी। वे ज्यादा युवा दिखते थे, उनके 91.3% जीन एक्टिविटी में बदलाव आ चुका था। हालांकि वापसी के 6 महीने के भीतर ये सब कुछ पहले जैसा हो गया। शरीर के अलावा दिमाग पर अंतरिक्ष के असर को समझने के लिए और कई सारी स्टडीज भी लगातार हो रही हैं। ऐसी ही एक स्टडी अमेरिका में हुई है, जिसके बारे में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्र बताते हैं। ये स्टडी असल में अमेरिका में हुई थी और इसका नाम था ब्रेन इन स्पेस, इफेक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन ह्यूमन ब्रेन। करीब 12 एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग की MRI की गई। ये वो एस्ट्रोनॉट्स थे जो 6 महीने या उससे ज़्यादा समय वहाँ से बिता करके लौटे थे। लौटने के बाद सबके दिमाग की MRI जो है ना, वो हर 10 दिन के बाद की जाती रही, और ये प्रक्रिया जो है ये करीब करीब 7 महीने तक चलती रही। इसके लिए इन लोगों ने ना ये खास MRI मतलब था, जिसको ये कहते हैं टैक्टोग्राफी।
ट्रैक्टोग्राफी जो है ये ब्रेन इमेजिंग की एक तकनीक है जिसमें न्यूरॉन्स का हल्का सा भी बदलाव, हल्का सा भी चेंज जो है वो समझ में आ जाता है। इसमें ये दिखाई पड़ा कि अंतरिक्ष में जो रेडिएशन होता है उससे बचने के लिए न्यूरॉन्स अलग तरह से काम करने लगे थे। उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब न्यूरॉन्स जो है वो खुद को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं और सिकोड़ते भी हैं, जैसे प्लास्टिक होता है जलने पे या पिघलाने पे फैल जाता है ठंड में, फिर वो सिकुड़ जाता है। इस तरह से वो बिहेव कर रहे थे क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी होती नहीं है, भार खत्म हो जाता है, तो इस पे नियंत्रण करने के लिए ब्रेन अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करता है। धरती पे तो सामान्य तरीके से काम करता है लेकिन स्पेस में एक्स्ट्रा मेहनत करता है, और ये एक दो दिन नहीं है, कई महीनों तक चलता रहता है। तो इसमें ब्रेन की रीवायरिंग हो जाती है, वापस जब इंसान धरती पे आता है तो उसको फिर नॉर्मल होने में टाइम लगता है, तो वो फिर से रीवायरिंग होती है। जैसे एक तरीके से आप ये समझ लें कि आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है वो बदला जा रहा है, उसका रैम और रोम, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसर, ये सब बदल जाता है। तो यही प्रोसेस स्पेस में भी होता है, वापस धरती पे भी आने पे होता है। तो धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रैवलर चलने, बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं। मोटर के साथ साथ उनकी कॉग्निटिव स्किल पर भी असर होता है। पाया गया है कि ज्यादातर यात्रा लंबी समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेलते रहे, यहाँ तक कि लगभग सभी की आंखें काफी कमजोर हो गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फिर भी प्रोटेक्टिव लेयर के भीतर है, ये वन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर आता है। यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट को पार के जाने वाले में और भी ज्यादा बदलाव दिखते हैं। जैसे मार्स में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर रहने वाले लोगों से 8 गुना ज्यादा रेडिएशन और बदलाव झेलेंगे। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे अगले हफ्ते किसी और ज्ञान ध्यान के एपिसोड में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास, किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, only on Aaj Tak Radio.